तो गाइज गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन कई सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे सपोर्ट हुआ है और काफ़ी कमाल का पैकेज ये लगता है अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सेम टाइप की डिस्प्ले होने वाली है जो कि गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में दी गई थी, यानी कि एक बड़ी डिस्प्ले है और सुपर एमोलेड की क्वालिटी आप सबको पता है सैमसंग कितनी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। तो डिस्प्ले वाइज अगर बात करें तो डेफिनेटली एक अच्छा स्मार्टफोन होगा जिसपे आप काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस पाएंगे। इस स्मार्टफोन की जो मेन हाईलाइट होगी गाइज वो होगा इसका प्रोसेसर। यहाँ पे मिड रेंज सेगमेंट में एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर देने की कोशिश की जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रोसेसर होने वाला है सैमसंग की तरफ से एक्जिनोस 9825। अगर इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो ये सेम प्रोसेसर आपको पिछले साल देखने को मिला था गैलेक्सी नोट 10 स्मार्टफोन में। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी नोट 10 इनका एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन था जो कि काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस के साथ में आता था। हालांकि उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन इनमें नहीं मिलती है जितनी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से। इसी के साथ यहाँ पे 6GB और 8GB के आपको रैम वेरिएंट मिलेंगे और 128GB की स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो परफॉर्मेंस वाइज आप इसको डेफिनेटली अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि पिछले साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर नेक्स्ट हाईलाइट की स्मार्टफोन की बात करें तो वो है इसकी बैटरी। आप सबको पता है अब तक की सबसे बड़ी बैटरी स्मार्टफोन में दी गई है गैलेक्सी M51 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद आई थी। इस स्मार्टफोन में भी आपको सेम 7000mAh की बैटरी दी जाएगी और इसके अलावा 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। तो अगर आपकी प्रेफरेंस है एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन तो गैलेक्सी M51 के सक्सेसर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके कैमराज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और बैक में एक 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये सेम कैमरा सेटअप है जो कि आपको गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में भी दिया गया था। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो ये भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि गैलेक्सी M51 का कैमरा एक कम्प्लीट सेटअप था और अच्छी क्वालिटी का कैमरा आपको दिया गया था। इसके अलावा गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा और One UI 3.1 को ये सपोर्ट करेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल के सामने आई है गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन के बारे में। वहीं पे कुछ ऐसे लीक्स भी हैं गाइस कि ये गैलेक्सी M सीरीज में आ सकता है और इसका नाम हो सकता है M62। तो चाहे M62 बोलें या फिर F62, ये स्मार्टफोन काफ़ी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। कई सारी सर्टिफिकेशन की वेबसाइट्स के ऊपर भी ये जा चुका है और आप मान सकते हैं कि अगले महीने यानी कि मार्च तक इस स्मार्टफोन का लॉन्च हो सकता है। अगर इसके प्राइसिंग की हम बात करें तो 25,000 के अंदर ही ये स्मार्टफोन आएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं 24,000 या फिर 25,000 के आसपास ही ये स्मार्टफोन रहेगा। इस बजट में आपको एक बड़ी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है, एक काफ़ी बड़ी बैटरी है, एक अच्छा कैमरा सेटअप और एक पुराना थोड़ा प्रोसेसर है लेकिन एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि इस बजट के हिसाब से काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस आपको देगा। तो यही है गाइज पूरी इन्फॉर्मेशन गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन के बारे में। अभी तक इसके डिज़ाइन की कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह का डिज़ाइन होगा, लेकिन आप थंबनेल में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप इस स्मार्टफोन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।